नमस्कार सोलो फोड़िसक आपण समस्त स्वागत। आज मु अति सहजरे आ बहुत अल्प समय रे नड़िया भात केमिति हुए करके देखेबी। एथिरे बहुत अल्प जिनस लागी थाए किंतु बहुत स्वादिष्ट हे थाए। नड़िया भात पई मु ए सब सामग्री गुड़िक नेछि। मुटी किछि बासना चौल को रांधिक रखीछि। नॉर्मली जमी अरुआ भात हुए से भाव में यह भात टाइब आपन जी चाहिए ये बासुमती चावल व्यवहार करें। मुझे फाड़े नड़िया को जोटा कि पखापाखि गोटे कप हम चारिटार पांचटा कंचा लंका को फाड़ करके सुखिला लंका व्यवहार करें। गोटे चामच बुट डाली नहीं किसी भृसंग पत्र नहीं अधा चामच गोटा सोरस नहीं गोटे कड़े गरम करने को बसईद मुझे गोटे बड़ चमच देसी घी दे घी टी गरम आसे आम गोटा सोरस पकईद एवं नहीं कंचा बुट डाली को देबा। बर्तमान फाड़ कर रखी कंचा लंका को इतने पकेबा। लो फ्लेम सब जिनस को आम हल्का भाजी नेबा। मुझे प्याज व्यवहार करी जी आप चाहिए प्याज पकेबापी तेज प्रथम घी देवे घी देलापर टे सोरस देकी कटा हो प्याज को पकईदे तापर बुट डाली और कंचा लंका देकी भाजी ने भृसंग पत्र पकेबा हल्का भाजी ने कोरा ही रखाई नड़िया को इतने पकईद एक लो मीडियम फ्लेम रे भाजवा। मन रखिए यहाँ सब बेले लो फ्लेम रे आम भाजवा ना जदि नड़ियाटा पोड़ तेल नड़िया भात टेस्टा पूरा खराब हो जा। मुझ नड़िया को लो फ्लेम रे गोटे रु दुई मिनिट पर्यंत भाजी दे नड़ियाटा भाजी होगा पर बहुत सुंदर बास्ना भी आसला। भजाई नड़िया रे रांधिक रखी भात को वर्तमान मिसेदेवि एबे आमे याकु भल भाव गोले दबा जमीक भात और नड़िया बहुत भल भाव मिसी जब मुगर ये लुण दे नी आप भात को देखिक स्वाद अनुसार लुण देवे आउथरी याकु बहुत भल भाव मिसेदेवे। गोटे मिनिट पे आम भात को लो फ्लेम रे गोड़े दबा जमती कि सबुर फ्लेवर एथिरे बहुत भल भाव मिसी जब। गोटे मिनिट पर आम पुणी आउ थे भात को भलरे मिसेद गैस को ऑफ कर दबा। वर्तमान आम नड़िया भात तैयारी हो गला। आपण या घरे निश्चित भाव तैयारी करंतु एवं आपन को केमिति लागिला आपन को मतामत मते निश्चित भाव जणांतु।